स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों को कक्षा 10th में हिंदी पढ़ा रही हूँ। जैसा कि सभी चाहते थे कि मैम हिंदी पढ़ाए 10th में, भगवान ने, ईश्वर ने आपकी, और मैं भी चाहती थी कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और मेरी, हम दोनों की विश को सुन लिए ईश्वर। और अब मैं चाहती हूँ बोर्ड में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर ले आएँ। और इसकी वजह से, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए, हमारे पहली वीडियो है आप लोगों के साथ, जो हिंदी में फेल वो सब विषय में फेल। आपको तो मैं ऐसे क्लास में भी कहा करती थी, और सभी जान लें और सभी ध्यान भी दें, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में फेल तो सारे विषय में फेल। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी एक एक बातें सुनेंगे। और मैं पढ़ाने से पहले सरस्वती माँ का वंदना करती हूँ, स्मरण करती हूँ, चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ। आप लोग भी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, स्मरण कीजिए और धैर्यता के साथ मेरे सारे वीडियो को सुनिए जब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। कोई छोड़कर जाएगा नहीं इस वीडियो को, ध्यान दे, पहली क्लास है, अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए मैं आप लोगों को पद पढ़ाती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ मेरे सारे बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाए। पद, सूरदास का पद बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी तो जन्मान धंधे थे। कोई कहता है कि ये लोक लाज आदि चीज़ों को देखते हुए अपनी आँखों को फोड़ लिए थे। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। ये श्री कृष्ण भगवान के अनन्य प्रेमी थे और ये श्री कृष्ण भगवान पे अटूट श्रद्धा रखते थे। ऐसा मानना है कि एक बार ये कुएं में गिर जाते हैं और गिरने के साथ इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता। बार बार ये आवाज़ देते हैं, फिर भी इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता। अंत में श्री कृष्ण भगवान आते हैं और इन्हें कुएं से निकाल कर बाहर करते हैं और इन्हें आभास होता है कि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब सबल जानूंगा तोय। कि हे ईश्वर, हे आराध्य देव, हे भगवान, आज तो आप मुझसे मेरे हाथ को छुड़ाकर चले जा रहे हो, मैं पकड़ रहा हूँ, नहीं रुक रहे हो मेरी मदद करने के बाद। लेकिन मेरे हृदय से जिस समय चले जाओगे उस समय मैं जानूँगा कि आप सबल हो, क्योंकि मेरे अंतर्मन में, हृदय में, नेत्रों में, हर जगह प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, आप ही आप बसे हुए हो। बहुत ही प्यारी पंक्ति है बच्चों। आप लोग देखेंगे कि सूर्य सागर में से लिया गया है आपका ये पद। और आपको पता है सूरदास की सबसे अच्छी रचनाओं में सूर सागर है। और इनकी तीन रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर। सूर सागर में सबसे सुंदर भ्रमर गीत है और जिसमें बहुत ही अच्छी पंक्ति है, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि शुरुआत करते हैं तो वंदना से शुरुआत करेंगे सभी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकि कृपा गिरि लाघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पद पाई। हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण भगवान, आपका जो ये चरण है वो कमलवत है, बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। प्यारे बच्चों सभी इस तरीके से लिखेंगे, पहले सुन ले, संदर्भ में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं और ये पंक्ति पद से ली गई है। शीर्षक में आप डालेंगे सूर सागर, देखिए यहाँ है सूर सागर, इस चीज को आप ध्यान में देंगे। प्रसंग में लिखेंगे सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के चरणवत कमलों की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। व्याख्या में आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान को सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो ये आपका चरण कमल है, जो ये चरण है वो कमल के पुष्प की समान है। जिस तरीके से कमल का पुष्प एकदम कोमल सुंदर होता है वैसा है, और आपकी जिसपे कृपा दृष्टि हो जाए प्रभु, जिसको आप अपने चरणवत कमलों में रख लें, वो व्यक्ति अगर लंगड़ा हो तो बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े गृह को, बड़े से बड़े पहाड़ को वो लांग जाएगा। अगर अंधा हो वो व्यक्ति तो वो सभी दिव्य दृष्टि से देखने लगेगा।
जो व्यक्ति बहरा हो, सुनाई नहीं देता हो, अगर आपकी कृपा हो जाए प्रभु, तो वो व्यक्ति सुनने लगेगा, और जो बोलना नहीं जानता होगा, वाक होगा, गूंगा होगा, वो बोलने लगेगा, और जो व्यक्ति अनाथ होगा, उसके सिर पे अगर आपका हाथ रखा जाए, तो हे प्रभु, वो सनाथ हो जाएगा, वो संसार में उसका अपना हो जाएगा। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पद पाई, बहुत सुंदर है वर्णन किया है, लास्ट लाइन में लिखा है कि सूरदास जी बार बार वंदना कर रहे हैं, बार बार अर्चना कर रहे हैं, बार बार पूजा कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपने चरणवत कमलों में मुझे बुला लीजिए, आप अपने चरणवत कमलों में मुझे रख लीजिए, हे प्रभु मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं बच्चों। काव्य का सौंदर्य में आप लिखेंगे भावपक्ष और कलापक्ष। भावपक्ष में बताएंगे आप लोग कि श्री कृष्ण भगवान की अनन्य प्रेम के बारे में बता रहे हैं, उनकी वर्णन कर रहे हैं, उनके चरणवत कमलों की वंदना कर रहे हैं, और आप अलंकार बताएंगे, ये सब कलापक्ष में बताएंगे। कलापक्ष में आप भाषा बताएंगे। सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास जी ने जिस अलंकार का प्रयोग किया है वो अनुप्रास अलंकार है। सूरदास जी ने जो दोहे का प्रयोग किया है उसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है बच्चों। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। कौन से गुण हैं? प्रसाद गुण हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप भावश्यामे में भी लिख सकते हैं, इनका ही लिख सकते हैं, सूरदास जी का ही लिख सकते हैं, तुलसीदास का भी लिख सकते हैं, कबीरदास का भी लिख सकते हैं भावश्यामे, क्योंकि सभी ने अपने गुरु का वर्णन किया है, सभी ने अपने आराध्य का वर्णन किया है, सभी ने अपने देव का वर्णन किया है। और आपको जो कुछ ना समझ में आए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।